हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिआं दा मेरे इस यूट्यूब चैनल ते। अज दी वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर कर रही हाँ हेयर ऑयल। यह हेयर ऑयल तुहाडे वालां लई बहुत ही लाभदायक है। इस तरह ही स्टार्ट करते हैं इस वीडियो नूं। इस ऑयल नूं बनाउण लई आपां नूं सब तो पहला मेथी दाणा कलौंजी चाहीदी है। इस नूं तुसीं मिक्सी विच चंगी तरह पीस लैणा है। इन्हां दोनों नूं अलग अलग ही पीसना है। थर्ड चाहिदा है कैस्टर ऑयल, फोर्थ चाहिदा तुहानूं कोकोनट ऑयल, रोजमेरी असेंशियल ऑयल। हुण गल करदे हां इन्हां इनग्रेडिएंट्स दे बेनीफिट्स दी। सब तो पहला गल करदे हां कलौंजी दी। कलौंजी विच विटामिन, प्रोटीन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, जिंक अनेकां गुणां दा मिश्रण है। सेकेंड है मेथी दाना, जिसनों इंग्लिश विच फेनुग्रीक सीड्स कहा जाता है। यह वालों नूं चिट्टे होण तों ते पतले होण तों बचाउंदा है। कैस्टर ऑयल यह वालों नूं नरम अते चमकदार बनाउंदा है, वालों नूं झड़न तों रोकदा है। कोकोनट ऑयल यह वालों की ड्राईनैस नूं, डैंड्रफ नूं एंड स्कैल्प की हर समस्या नूं खत्म करता है। रोजमेरी असेंशियल ऑयल अपने हेयरस लई बहुत बेनीफिशियल है। देखते हैं इस ऑयल नूं किदां बनाया जाए। फर्स्ट तुसीं एक कच का कंटेनर लेना जो बिल्कुल साफ होना चाहिए है। इस विच दो चम्मच मेथी दाना पाउडर पाउना है, दो ही चम्मच कलौंजी पाउडर पाना है। इसनों चंगी तरह मिला लेना है। हुण इस विच कोकोनट ऑयल पाउना है। तुसीं कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। यह बोतल 200 ml की है, जिस दे विचों मैं 100 ml यूज़ किया है। तुसी जिन्ना ऑयल तैयार करना है उस दे हिसाब नाल तुसी ऑयल यूज़ कर सकते हो। कैस्टर ऑयल यह बहुत ही थिक बेस विच हुंदा है, इसलिए इसनू घट मात्रा विच ही आपां यूज़ करांगे। सो मैं इहदे विच 3 to 4 चम्मच ही कैस्टर ऑयल पा रही हाँ। चम्मच दे नाल इसनों चंगी तरह मिक्स कर देना है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, माय फेवरेट रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। इस विच मैं 9 to 10 ड्रॉप ही पावांगी। 10 ड्रॉप्स इनफ ने। यह अपने बालों नूं बहुत ज़्यादा शाइनी ते सॉफ्ट बनांदा है। हुण चंगी तरह इन्हां नूं मिक्स कर देना है। हुण एक बाउल विच गर्म पानी लेना है। इस ऑयल वाले कंटेनर नूं उस विच रख देना है। आपां पानी दे ठंडे होण तक वेट करांगे। आपां इस ऑयल नूं इनडायरैक्ट हीट नाल ही पकावांगे। इस तरह करन नाल इस दे नैचुरल तत्त खत्म नहीं होणगे ते इस हेयर ऑयल दा पूरा लाभ मिलेगा। हुण इसनों टाइट ढक्कन लगा के इसनों बंद कर देना है। हुण इसनों अजिही थां ते रखांगे जिथे धुप आउंदी होवे। 7 दिनां तक इस ऑयल नूं इदां ही रखना है। जदों भी तुसीं इस ऑयल नूं यूज़ करना है तां अड किसी भी बर्तन विच इसनों थोड़ा कढ के यूज़ करना है। इनूं तुसीं सुक्की थां ते रखना है। इस कंटेनर नूं पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इस हेयर ऑयल नूं आपां कई महीनों लई इस्तेमाल कर सकते हाँ। इसनों पानी बिल्कुल नहीं लगन देना ते सुक्की जगह ते ही रखना है। इस हेयर ऑयल की वरतों आपां हफ्ते विच 2 बारी कर सकते हाँ। इस हेयर ऑयल दे बहुत वधिया रिजल्ट ने गाइज। इसनों मैं रेगुलर यूज कर रही हाँ। मैनू यह हेयर ऑयल बहुत वधिया लग्या है। सो मैं सोचिया यह हेयर ऑयल रेमेडी वीडियो अपने सबसक्राइबर नाल शेयर करा। आस करती हूँ कि तुहानू यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं बहुत ही धन्यवादी हाँ तुहाडी कि तुसी मेरी वीडियो नू वेखण लई अपना कुछ समा कढ़िया। मिलते हैं नैक्सट वीडियो विच। सत श्री अकाल जी।